चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्यों को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए एक स्त्री जो भी करती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, किसी भी पुरुष के सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, फिर चाहे वो माँ, बहन या पत्नी के रूप में हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें औरतों के द्वारा करने पर एक पुरुष की प्रगति प्रभावित होती है। इसलिए दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ कामों को औरतों को न करने के लिए कहा गया है। यदि वो काम स्त्रियां करती है तो परिवार में गृह कलह और संकट उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में एक स्त्री से यही आशा की जाती है कि वो परिवार की मर्यादा को बनाकर रखें, और यदि वो उस मर्यादा को लांघती है तो वो परिवार को बर्बाद करने का कारण बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए ऐसे चार कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें औरतों को करने से रोकना चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार हो जाता है भिखारी। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, शराब पीना। दोस्तों, शराब पीना किसी भी इंसान के लिए हानिकारक होता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। शराब एक बसे बसाए घर को उजाड़ देती है। दोस्तों, वैसे भी हमारे शास्त्रों में शराब पीना राक्षसों का गुण माना गया है। एक स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में यदि घर की लक्ष्मी ही शराब पीने लगे तो आप सोच सकते हैं कि उस घर की हालत क्या हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में महिलाओं के लिए शराब का सेवन बिल्कुल भी निषेध माना गया है। ऐसी मान्यता है, यदि एक स्त्री शराब पीकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती है तो समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुँचती है, जिसकी वजह से परिवार की बदनामी होती है। इसलिए औरतों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर दो, पराए मर्दों से दोस्ती। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़की की दोस्ती को ठीक नहीं माना जाता। वैसे भी स्त्रियों को पतिव्रता के नाम से जाना जाता है। एक स्त्री अपने पति, पिता, पुत्र और भाई के अलावा और किसी भी पुरुष से बात नहीं कर सकती। ऐसा करना उनके लिए निषेध माना गया है। दोस्तों, माना जाता है एक स्त्री का पराए मर्द से दोस्ती करना उनके परिवार के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने परिवार को इस संकट से दूर रखने के लिए उन्हें इन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, इस समाज में कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए औरतों से दोस्ती करते हैं। ऐसे पुरुषों से स्त्रियों को हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर तीन, बिना किसी वजह के यहाँ वहाँ घूमना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि औरतों को बिना वजह इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यहाँ तक कि घर में ऐसे भी नियम बनाए गए हैं कि एक स्त्री बिना घरवालों से पूछे कहीं भी घूमने नहीं जा सकती। यदि एक स्त्री बिना घरवालों की इजाजत से कहीं घूमने चली जाती है तो घर में क्लेश होना अनिवार्य है। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं के लिए ये नियम और भी सख्त है, वो बिना अपने पति के इजाजत के कहीं भी घूमने नहीं जा सकती। नंबर चार, पति से अलग रहना। दोस्तों, हमारे समाज में एक स्त्री की पहचान एक पुरुष पर निर्भर करती है। जब एक स्त्री की शादी हो जाती है तो उससे यही आशा की जाती है कि वो अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहे। इसके साथ ही वो अपने पति और अपने सास ससुर की सेवा करें। उस स्त्री से ये भी आशा की जाती है कि ससुराल में उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, ऐसे में कुछ स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में पत्नी का पति का घर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में जो स्त्रियां अपने पति का घर छोड़कर अलग रहती है उन्हें हमारा समाज चरित्रहीन कहता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।